हाथरस हादसे पर योगी का पहला एक्शन, एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड। भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला बड़ा एक्शन लिया। एसडीएम सीओ इंस्पेक्टर समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये कार्यवाही की। एसआईटी ने सोमवार रात सीएम योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर तहसीलदार सुशील कुमार और चौकी इंचार्ज कचौरा मनवीर सिंह और पारा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे को सस्पेंड किया। इधर हाथरस हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने कल ही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। याचिका में हादसे की जांच रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में 5 सदस्यीय टीम से कराने की मांग की गई थी। एसआईटी ने 150 लोगों के बयान दर्ज किए। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा कि हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसकी गहनता से जांच जरूरी है। हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजनकर्ता को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अफसरों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। भीड़ के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली। जांच के दौरान 150 अफसरों, कर्मचारी और पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए गए हैं।